हेलो गाइस, हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हम लोग रीडिंग करने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स एंड नेक्स्ट एक्शन। कैसा फील कर रहे हैं आपके पर्सन अभी आपके लिए और नेक्स्ट एक्शन क्या लेंगे। एंड ये रीडिंग जनरल है, टाइमलेस है और सभी साइंस के लिए है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। सबसे पहले देखते हैं कि आपके जो पर्सन है वो अभी आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं। करंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर फॉर यू, current feelings of your partner. Okay, we have the garden. Divine feminine. Forgiveness. वर्दीनेस। ओके, आपके जो पर्सन है ना वो आपके लिए सबसे पहले तो बहुत अच्छा और पॉजिटिव फील कर रहे हैं। ठीक है, अगर उन्होंने कोई गलती करी है अपनी लाइफ में, ठीक है, या फिर इन्होंने आपको हर्ट करा है, कुछ ना कुछ ऐसा कहा है इन्होंने आपको जिससे आपका दिल दुखा है, या फिर इन्होंने आपके साथ कुछ गलत करा है, ठीक है, उसके लिए सबसे पहले तो ये पार्टनर आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। ये पार्टनर को बहुत पछतावा है अपनी गलती को लेके, या इनको अब रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने आपको कैसे ट्रीट करा था उस चीज़ को लेके। ठीक है, एंड देन वी हैव दिस कार्ड वर्दीनेस। तो अब इनको आपकी वर्थ समझ में आ रही है। अगर इन्होंने आपको बहुत ही नीचा दिखाया हो, या फिर आपकी वैल्यू ना करी हो, आपकी वर्थ ना समझी हो, तो अब इनको आपकी वर्थ समझ में आ रही है। आई थिंक आप लोग जो अपना इनर वर्क कर रहे हो, जो लोग सेल्फ लव कर रहे हो, आप में जो लोग वीडियो देख रहे हो, आई थिंक उनके पार्टनर्स में ये चेंजेस जल्दी आएंगे। बिकॉज आप लोग अपनी वैल्यू करोगे तो उतना ही वैल्यू ये पर्सन भी आपकी करेगा। ठीक है, एंड देन वी हैव डिवाइन फेमिनिन एंड द गार्डन। तो यहाँ पे ये दोनों कार्ड ही इंडिकेट करते हैं डिवाइन फेमिनिन को। सबसे पहले तो आई थिंक आप लोगों ने अपना बहुत सेल्फ लव करा है, बहुत पॉजिटिव रहे हो आप, ठीक है, अपनी ग्रोथ पर ध्यान दिया है आपने, तो दैट्स वाई आप लोग डिवाइन फेमिनिन हो अब। ठीक है, और ये पार्टनर को भी ये चीज़ दिखाई दे रही है। ठीक है, और ये पार्टनर को रियलाइज़ हो रहा है कि इन्हें आपके जैसा पर्सन अपनी लाइफ में नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये आपको बिल्कुल अपना डिवाइन फेमिनिन मानते हैं, आपकी वर्थ भी समझते हैं, आपको एक बहुत ही पॉजिटिव पर्सन मानते हैं, और सबसे बड़ी बात तो ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं जो भी इन्होंने गलत करा है आपके साथ उस चीज़ के लिए। ठीक है, चलिए और देखते हैं और कैसा फील कर रहे हैं ये पर्सन आपके लिए। वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस, द लवर्स, जेमिनाई। ओके, वाओ, वी हैव द कपल कार्ड गाइस, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एंड लवर्स भी आया गाइस। सच में इस पार्टनर की एनर्जी में बहुत अच्छा चेंज आ रहा है आपको लेके। टेन ऑफ पेंटिकल्स, सी कितने अच्छे कार्ड आए हैं गाइस हमारे पास यहाँ। टेन ऑफ पेंटिकल्स देख रहे हो, ये आपके साथ टेन ऑफ पेंटिकल्स वाली हैप्पीनेस चाहते हैं ये पर्सन। एक घर हो, फैमिली हो, आपके किड्स हो, ठीक है, एक बहुत अच्छी लाइफ जियो आप लोग, जहाँ पे कमी ना हो किसी भी चीज़ की। ठीक है, ना तो पैसों की कमी हो और ना ही प्यार की कमी हो। द लवर्स कार्ड भी आया, ट्विन फ्लेम, सोलमेट। आई थिंक आप में से काफ़ी लोग डील कर रहे हो अपने सोलमेट या ट्विन फ्लेम के साथ। ठीक है, तो लवर्स कार्ड आया हमारे पास, तो लव भी है इतना इस पार्टनर के दिल में आपके लिए, और आपको अपनी लाइफ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा भी मानते हैं ये पार्टनर। ठीक है, आपको एक फ्यूचर में देखते हैं पर्सन अपने साथ। एंड वी हैव द कपल कार्ड, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। सी कितने मतलब ब्यूटीफुल कार्ड आए हैं, पे साइंस यहाँ पे आए हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, हो, कैप्रिकॉर्न एंड जेमिनाई। बट साइन कोई भी हो, डजेंट मैटर, ये आपकी एनर्जी है आपके और आपके पर्सन की, और आप दोनों ऐसे हो, आप तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बन ही गए हो, राइट, आप तो अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो इतना। ये पार्टनर भी अब रेडी है आपका किंग ऑफ वॉन्ड्स बनने के लिए। ठीक है, ये पार्टनर बिल्कुल अब बराबर का लव, बराबर की पार्टनरशिप चाहते हैं। जिस पेज पे आप हो उसी पेज पे पार्टनर रहना चाहते हैं। लवर्स दोनों एक साथ मिलके एक बहुत अच्छा फ्यूचर बनाना चाहते हैं पर्सन आपके साथ। ठीक है, और ये पार्टनर आपको मतलब हर तरह की हैप्पीनेस, ये सिर्फ पार्टनर जो है ना ये आपके साथ ही इमेजिन करते हैं, हर तरह से आपको हैप्पी रखना चाहते हैं अब ये। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपके लिए। नेक्स्ट एक्शन ऑफ योर पार्टनर। ओके, वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स। ये पार्टनर शायद आपको स्टॉक कर रहे हैं अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट में हो तो।
टेन ऑफ वॉन्ड्स। नाइट ऑफ वॉन्ड्स। नाइन ऑफ सोड्स। पेयर ऑफ सोड्स। क्वीन ऑफ सोड्स। ओके गाइस, यहाँ पे ये जो पर्सन है ना, ये सच में आपके बिना सबसे पहले तो मेंटली बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है, बिकॉज वी हैव दिस नाइन ऑफ सोर्ड्स एंड वी हैव टेन ऑफ वॉन्ड्स। ये पार्टनर बहुत बर्डन फील कर रहे हैं अपनी लाइफ में आपके बिना, ठीक है। ये एज इफ कि अकेले हो गए हैं, रात को ये जगते हैं, आपके बारे में सोचते रहते हैं, ठीक है। इनका दिल बहुत हैवी है, बहुत बर्डन फील कर रहे हैं। और आई थिंक इस पार्टनर की लाइफ में अभी मल्टीपल चीज़ें एक साथ चल रही हैं, उस वजह से भी ये काफ़ी अकेले पड़ गए हैं, ठीक है। इनको आपकी याद आती है, इनको टेंशन भी होती है कि आप कहीं इनको छोड़ तो नहीं दोगे, आप दूर तो नहीं हो जाओगे इनसे, ठीक है। चाहे ये बात आपको बता रहे हैं या नहीं बता रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन डेफिनेटली आपके लिए एक्शन लेंगे, बिकॉज आई फील कि ये पर्सन जो है आपको स्टॉक कर रहे हैं, और ठीक है, ये इनसे ये बहुत ही जल्द आपके लिए एक्शन लेंगे, बिकॉज जो उनकी कंडीशन है और जो ये फील कर रहे हैं ना आपके लिए, ये रुक ही नहीं पाएंगे कि एक्शन ना लें, ठीक है। कि अब ये बिल्कुल आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपके पास ये नया लव ऑफ़र लेके आना चाहते हैं, एकदम फ्रेश लव ऑफ़र, जहाँ पे ये आपसे सबसे पहले तो माफ़ी मांगेंगे, ठीक है। थोड़ा सा इमेच्योर बिहेव कर सकते हैं ये आपके सामने इनिशियली, बट आई थिंक आप लोग इनको माफ़ कर दोगे, बिकॉज आप लोग ऐसे हो, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। या ऐसा भी हो सकता है कि इनिशियली जब ये आपके पास आए फिर से, तो कुछ ना कुछ आर्ग्यूमेंट्स हो जाएँ, ठीक है, कि लाइक एक दूसरे की गलतियों को गिनाना इस तरह से, ठीक है। एकदम तीखे वर्ड्स बोलो, डायरेक्ट कट टू कट बात करो आप दोनों, ऐसा हो सकता है। बट आई थिंक आफ्टर अ वाइल आप इनको माफ़ कर दोगे और नई शुरुआत हो जाएगी आपके बीच में। बट डेफिनेटली ये जो पर्सन है ये एकदम पॉजिटिव है इस रिलेशनशिप को लेके, आपको लेके, और एक्शन लेंगे, हालांकि स्लो हैं, बट डेफिनेटली आई फील कि ये पर्सन बहुत ही जल्द आपकी लाइफ में आ रहे हैं और आपको लव ऑफर दे रहे हैं ये पार्टनर बहुत ही जल्द, ठीक है। चलिए और देखते हैं आगे क्या होगा आपके रिलेशन में। वाओ, वी हैव लॉयल हार्ट। तो ये पर्सन लॉयल है, ठीक है, इनकी लाइफ में और कोई नहीं है, और ये जो अपना हार्ट है ये सिर्फ आपको ही देंगे, लॉयल हार्ट। हालांकि ये पार्टनर थोड़े से मेच्योर हैं, तो मेच्योरिटी ला रहे हैं खुद में। देन वी हैव मेंडिंग। ये पार्टनर आपके साथ इस चीज़ को मेंड करना चाहते हैं, दोनों मिलके इस रिलेशनशिप को मेंड करोगे, दोनों मिलके इस रिलेशनशिप को फिर से स्टार्ट करोगे, जो भी गलतियाँ हुई हैं ना उसको फॉरगिव करके आप लोग नई शुरुआत करोगे इस पर्सन के साथ। टाइम फॉर अ नैप। तो ये कि आप रिलैक्स करिए, ठीक है, आप सब कुछ छोड़ दो यूनिवर्स के ऊपर और आप रिलैक्स करो, आप मैनिफेस्ट करो, बट आप रिलैक्स करो, इतना ज़्यादा टेंशन मत लो इस पर्सन के बारे में, बिकॉज ये आपके लिए लॉयल है। वी हैव लॉयल हार्ट, ओके। एंड देन वी हैव, ओके, वी आर बिल्डिंग ब्लॉक्स। सी, ये रिलेशनशिप फिर से बिल्ड होगा, जीरो से स्टार्ट होगा, ठीक है। दोनों मिलके इस रिश्ते को फिर से बिल्ड करोगे अच्छे से, और दोनों ही अब रेडी हो। एंड बॉटम ऑन द डेक वी हैव दिस यांग कार्ड। तो ये है डिवाइन मैस्कुलिन का कार्ड, ठीक है। तो अब ये पर्सन रेडी है ये नई शुरुआत करने के लिए आपके साथ, ठीक है। इनका लव ऑफर आपके पास आता ही होगा, या जिस चीज़ का आपको वेट है ना इस पर्सन की इस तरफ से, वो ही बहुत जल्दी मिलने वाली है आपको। और देखते हैं गाइज फॉर दिस रिलेशनशिप। ओके, वी हैव गुड फॉर्चून। फॉर्चून आपके साथ है, लक आपके साथ है, सक्सेसफुली ओवरकमिंग अ प्रॉब्लम। तो जो भी प्रॉब्लम्स है ना वो आपकी लाइफ में ख़त्म होने वाली है इस रिलेशनशिप के रिगार्डिंग। ओके, वी हैव लव। तो लव तो है ही आपके बीच में। एंड देन वी हैव अ गोल ओरिएंटेड पर्सन। तो अब इस पार्टनर ने डिसाइड कर लिया है कि इनको क्या चाहिए, इनका जो टारगेट है ना वो आप हो, इनको आप ही चाहिए। एंड एक्साइटमेंट, तो कुछ ना कुछ एक्साइटिंग न्यूज़, कुछ एक्साइटमेंट वाली फीलिंग आपको हो सकती है विद दिस पर्सन। चलिए गाइडेंस निकालते हैं आपके लिए। क्लियर द एयर। तो आपको जो भी प्रॉब्लम्स है इस पार्टनर के साथ, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स है या आर्ग्यूमेंट्स है, आपको ज़रूरत है उसको क्लियर करने की, जो भी ये जो डार्क क्लाउड्स हैं इसको हटाने की, तभी तो जो सनलाइट है वो आप तक पहुंच पाएगी, ऐसा है। और देखते हैं, वी हैव
लाए बैक रेस्ट एंड रिलैक्स, ये यहाँ पे सेम करा था, टाइम फॉर अ नैप। तो बिल्कुल भी आप एकदम रिलैक्स रहिए, आप चिल रहिए, ठीक है, एकदम सब कुछ छोड़ दो यूनिवर्स के ऊपर, सब वो सही कर देंगे। एंड वी हैव ऑल इज़ पॉसिबल, सी सब कुछ पॉसिबल है, जो भी आप चाह रहे हो ना वो आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, ऑल इज़ पॉसिबल, जो भी आपने सोचा है वो सब कुछ पॉसिबल है, ठीक है। एंड बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास आया है इनफाइनाइट अबंडेंस, अबंडेंस इज़ पोरिंग इन टू योर लाइफ, तो अबंडेंस आपकी लाइफ में आ रही है, आप बस ट्रस्ट रखो, ठीक है, पॉजिटिव रहो और अपने आप पे ध्यान दो, और ये पर्सन आ रहे हैं आपके पास, ठीक है। सो गाइज ये है आपकी रीडिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू।